देखिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट के बारे में। हम डेरिवेशन निकालेंगे वेरिएशन ऑफ जी के लिए, जिसमें जी के मान में परिवर्तन निकालना है, वो भी ऊंचाई के साथ में। तो जब वेरिएशन ऑफ जी निकालना है विद हाइट के लिए, तो इसके लिए हम ड्राइव करते हैं जी डैश, और जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r। इसके लिए जो डेरिवेशन किया जाता है, इसके लिए जो प्रूफ किया जाता है, वो किया जाता है जी डैश इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r। यहां पर जो g जो होता है वो होता है पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जबकि g डैश जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द h हाइट फ्रॉम द सरफेस। वहीं r जो है वो डिस्टेंस है या रेडियस ऑफ अर्थ है, जबकि h जो होता है उसे बुलाता है अब पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस, जो सरफेस से उसकी डिस्टेंस बुलाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो अर्थ है उसका जो मास दे रखा है वो मुझे कैपिटल M दिया हुआ है, साथ ही इसका सेंटर जो है वो कितना O है, और मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो कितनी R दे रखी है। तो मान लेते हैं हमने कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका द्रव्यमान जो है वो M है, उसका मास जो है वो M दिया है, साथ ही उसका सेंटर O है और उसकी रेडियस हमने कितनी R मान ली। अब हम मान के चल रहे हैं कि इसकी सरफेस पर सी लेवल से मतलब समुद्र तल से इसकी h डिस्टेंस पर, इसकी h डिस्टेंस पर यहां पर कोई p पॉइंट है जिसका मास जो है कितना स्मॉल m मास पार्टिकल है। भाई हम क्या करेंगे, हमने माना है कि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान o हो गया, m हो गया, केंद्र o हो गया, त्रिज्या कितने r हो गई। फिर माना कि इसके समुद्र सतह से इसे h ऊंचाई पर p बिंदु पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का स्मॉल m मास है पार्टिकल दे रखा है, जिस पर हमें वेरिएशन ऑफ g सॉल्व करना है। दोस्तों एक बार क्या करेंगे, हमें पता है कि जितने भी पार्टिकल अगर अर्थ पर रखे हैं, अर्थ पर रखे हैं या सी लेवल पर रखे हैं, समुद्र स्तर पर रखे हैं, तो उन्हें सेंटर की ओर फोर्स अप्लाई होता है जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रिलेशन भी निकाला है स्मॉल g और कैपिटल g में, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि वे एक रिलेशन होता है स्मॉल g और कैपिटल g के लिए कि स्मॉल g इक्वल्स टू होता है gm अपॉन में कितना r स्क्वायर होगा। ये रिलेशन होता है स्मॉल g और कैपिटल g में, जिसे बुलाता है स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आ रहा है, ये आ रहा है हमारा ग्राउंड लेवल पर, मतलब इसके सेंटर पर। तो यहां पर सेंटर पे जो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे उसको हम g ही बोलेंगे, साथ ही जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कैपिटल g होगा, साथ ही मास जो है वो कितना m है, और इसका जो साइड रेडियस है वो कितना r दे रखा है। और इसे डाल देते हैं हम इक्वेशन कौन सी हम फर्स्ट पुट कर दें। अब दोस्तों ये तो हमने लिया है इसकी सरफेस पर, ये हमने लिया है अर्थ की सरफेस पर, अब हम निकालेंगे पॉइंट p पर। जब पॉइंट p पर निकालेंगे तो पॉइंट p पर निकालेंगे इसी अर्थ के लिए, तो यहां पर मान लेते हैं कि एट पॉइंट p, एट पॉइंट p द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, मान लेते हैं कितना g डैश है। क्योंकि मान लिया कि बिंदु p पर जो है इसका पृथ्वी त्वरण जो है वो कितना g डैश दे रखा है, तो इस दिस केस यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा कितना g डैश, यहां बनेगा कितना gm, और जब g डैश पर निकालेंगे या फिर हम पॉइंट p पर निकालेंगे तो पॉइंट p का जो o से जो डिस्टेंस है वो कितना r, और साथ में h दिया है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है कितना r plus h का स्क्वायर दे रखा है। और जिसे हम पुट करेंगे इक्वेशन कौन सी सेकंड डाल देंगे, देख लीजिए ऐसे ही करेंगे कि भाई एक बार तो हम क्या निकालेंगे इसके सरफेस पर निकालेंगे, सरफेस से मतलब डिस्टेंस निकालना तो मुझे अर्थ सेंटर से ही है, तो एक बार हम सरफेस पर निकालेंगे तो सरफेस का डिस्टेंस कितना आ गया है, और इस पर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g सपोज करा है, तो ये g इक्वल्स टू जाएगा gm अपॉन r स्क्वायर। फिर एक बार हम सॉल्व करेंगे पॉइंट p पर, जब पॉइंट p पर सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस o से निकलेगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो बनेगा कितना r plus h। तो यहां पर जब सॉल्व करा तो हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को g डैश बना है, तो ये हो जाएगा कितना g डैश इज इक्वल्स टू gm अपॉन r plus h का होल स्क्वायर। और इसे पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड डाल लें। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन सेकंड है उससे इस इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से
तो यहां पर आ जाएगा g डैश अपॉन g माइनस, जबकि यहां पे हमारा कितना g n और यहां r प्लस h का होल स्क्वायर, जबकि यहां कितना g n और यहां पे कितना r स्क्वायर आएगा। देख लीजिए ऐसे ही बना, इधर यहां डिवाइड करा तो g डैश और यहां बचा कितना g, यहां g डैश अपॉन g बना, जबकि यहां g n अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, तेरा g n अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, जबकि यहां g n अपॉन कितना r स्क्वायर बनेगा। अब देखिए g डैश को सेम रखा अपॉन g को सेम, यहां g n को सेम, यहां बना r प्लस h का होल स्क्वायर, इस टर्म का रेसिप्रोकल होगा तो आएगा r स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कितना g n बन रहा है। देख लीजिए ऐसा ही कुछ टर्म बन रहा है कि भाई gm तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहां बचा कितना r plus h का होल स्क्वायर, जबकि इस gm अपॉन r स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा, इसका उलट गुणित होगा, तो r स्क्वायर ऊपर चले जाएगा और gm नीचे आ जाएगा। अब इस gm से ये gm तो यहां पर कैंसिल हो गया, तो यहां बचा कितना g डैश अपॉन g बना, जबकि यहां r स्क्वायर आएगा और यहां बचा कितना r plus h का होल स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहां से हम g डैश अपॉन g को बिल्कुल सेम रखें, यहां बचेगा r स्क्वायर, जबकि यहां देखिए r plus h का होल स्क्वायर दिया है, तो यहां पर जो r स्क्वायर था उसको हमने बिल्कुल सेम रखा है, लेकिन यहां पर मुझे r plus h का होल स्क्वायर दिया है, तो इस केस में हम यहां से क्या करेंगे r को कॉमन निकालें, तो जब हम यहां से r को कॉमन निकालेंगे तो r को जब कॉमन निकालेंगे तो r स्क्वायर से बाहर आएगा, और जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो वो कितना r स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे कुछ होगा, देखिएगा यहां पर r plus h का होल स्क्वायर है, r plus h का होल स्क्वायर है, तो यहां से आपने r को कॉमन निकाला है, तो जब आपने यहां से r को कॉमन निकाला तो बाहर कितना हुआ r स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो बचेगा वो बनेगा कितना 1 plus h upon r, वो इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर जाएगा। ऐसा ही कुछ टर्म बनेगा। अब देखिए यहां अगर हम सॉल्व करें तो यहां बचा g डैश अपॉन g, तो यहां r स्क्वायर से ये r स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो यहां 1 plus h upon r और रेस्ट टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। देख लीजिए जब g डैश अपॉन g को बिल्कुल सेम रखा है, लेकिन 1 plus h upon r और इसकी पावर 2 दे रखी है, तो इसको मैं ले जा रहा हूं न्यूमरेटर में, और जब इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर जो होगी वो कितनी नेगेटिव 2 हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे जो टर्म होता है इसको सॉल्व किया जाता है बाय बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से, हिंदी में उसे द्विपद प्रमेय बोलते हैं, इंग्लिश में बोला उसे बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है, तो इसे ओपन किया जाता है बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से, और इसे ओपन करने का तरीका होता है जैसे 1 plus x और रेस्ट टू द पावर n दिया है। अगर मुझे बाइनोमियल थ्योरम की बात करनी होती है तो इसमें क्या होता है, ऐसे तो इसको n टर्म तक ओपन करना होता है, वैसे हम n टर्म तक ओपन ना करते हुए इसे क्या हम शुरुआत के दो टर्म के लिए ओपन करते हैं, यहां पर 1 plus x रेस्ट टू द पावर n दिया है, तो इसको हम ले सकते हैं 1 plus nx की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, जैसे 1 plus x और रेस्ट टू द पावर n था, ये n जो आएगा वो आगे जाएगा, और n अगर आगे जाएगा तो यहां कितना बचेगा 1 plus nx बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा होता मुझे 2 plus यूं कहो कि 1 plus 3x upon 2 और रेस्ट टू द पावर माइनस 1 दिया होता, या इस तरह का कोई टर्म बन रहा है कि 1 plus 3x by 2 रेस्ट टू द पावर माइनस 1, और इसको मुझे ओपन करना है तो इसके लिए क्या होगा, ये 1 सेम रहेगा, ये टर्म आगे आएगा तो माइनस का 3x अपॉन 2 बन जाएगा। ऐसे ही टर्म बनेगा कि जो पावर जो है वो कहां पर आगे आ जाती है, तो यहां पे देखिए यहां अगर हम सॉल्व करें तो यहां बना कितना g डैश अपॉन g बना, यहां पर पावर जो है वो आगे आएगी, और जब आगे आएगी तो यहां बचा कितना 2h अपॉन r हो जाएगा। देख लो यही टर्म बन रहा है कि भाई g डैश अपॉन g तो सेम रहा, ये नेगेटिव 2 जो है वो आगे आ जाएगा, और नेगेटिव 2 अगर आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 1 minus 2h अपॉन r हो जाएगा।
अब यहां पर अगर हम g डैश को सेम रखें और इस g को उधर ले जाएं तो यहां g is equals to ये g डैश is equal to g in bracket 1 minus 2h upon r बना और जो g डैश equal to g 1 minus 2h upon r बनेगा यही फार्मूला हमें डिराइव करना था दोस्तों ये होता है हमारा वेरिएशन ऑफ जी जी के मान में परिवर्तन वो भी हाइट ऊंचाई के साथ परिवर्तन निकाला एक बार फिर समझिएगा हमने क्या करा है यहां पर हमने सबसे पहले तो माना है कि जो अर्थ है उसका मास हमने मान लिया कितना m उसका सेक्टर मान लिया हमने कितना o और सपोज करा है उसकी जो रेडियस है वो कितनी r दी हुई है साथ ही हमने माना है कि इसके 80 लेवल से h सेल पर कोई पॉइंट p है जिस पर हमें हाइट के साथ में वेरिएशन ऑफ जी कैलकुलेट करना है अब यहां पर अगर स्मॉल m से पार्टिकल सपोज नहीं भी करें तब भी हमारा काम जो है वो इजीली चल जाएगा क्योंकि हमें निकालना तो अर्थ के सेंटर से ही डिस्टेंस है हमें निकालना जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से ही निकालना है तो यहां पर हम क्या करें कि सबसे पहले हमने लगाया है सेंटर पर निकाला है एक बार ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसे बोला है हमने कितना g और जब g का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा gn अपॉन r स्क्वायर और इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन पॉज पुट कर लें अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट P पर निकालेंगे और जब पॉइंट P पर सॉल्व करेंगे तो इस केस में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मान लिया है कितना g डैश और जब g डैश का फार्मूला अप्लाई करा तो बनेगा gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना r प्लस h दिया हुआ है तो हमने जब g डैश सॉल्व करा है तो फार्मूला बना इसका gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर बना और यहां पर इसे पुट कर दिया हमने इक्वेशन सेकंड डाल दिया अब दोस्तों हम क्या करें इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो जब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो बनेगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर अपॉन gm / r स्क्वायर यहां g डैश अपॉन g को सेम रखा हमने इस टर्म को बिल्कुल सेम रखा है इसका हमने रेसिप्रोकल करा यहां r स्क्वायर अपॉन gm आएगा इस gm से इस gm को हमने कैंसिल कर दिया काट दिया तो यहां बचा g डैश अपॉन g जबकि यहां बचेगा r स्क्वायर और यहां बचा कितना r प्लस h का होल स्क्वायर अब दोस्तों इस g डैश अपॉन g को बिल्कुल सेम रखें इस r स्क्वायर को हमने बिल्कुल सेम रखा है लेकिन r प्लस h का जो होल स्क्वायर था वहां से हमने r को बाहर करा तो यहां से जब हमने r को बाहर करना है यहां से जब r बाहर होगा तो बाहर हो जाएगा r स्क्वायर जबकि यहां बचेगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर बनेगा अब देखिए इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा यहां बचेगा g डैश अपॉन g इस 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी और नेगेटिव आएगी तो ये माइनस 2 होगा और इस माइनस 2 को हम बाइनोमियल थ्योरम से लिखेंगे तो ये 1 माइनस 2h अपॉन आ जाएगा क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है कि 1 प्लस x टू द पावर n था तो n जो है वो x के मल्टीप्लाई में चले गया था वो उसके गुणा में आ गया था तो यहां पे बन गया था 1 प्लस nx हुआ था वैसे यहां सॉल्व करा तो ये माइनस 2 जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन चले जाएगा वो इसके इनटू में आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन r अब यहां से हमने g डैश की वैल्यू निकाली तो g का इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बना g डैश इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r और दोस्तों इसे हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं इसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं हम क्या करें यहां पर ये g डैश को बिल्कुल सेम रखा यहां इस g का अंदर मल्टीप्लाई करें तो जब g का अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा g माइनस 2gh और अपॉन r बना ऐसा बना कुछ ऐसे ही होएगा कि भाई g डैश को बिल्कुल सेम रखेंगे तो g डैश को बिल्कुल सेम रखा लेकिन g का हमने अंदर मल्टीप्लाई करा है गुणा करा है तो यहां पे बनेगा g माइनस का 2gh अपॉन r अब देखिए यहां पर ये g डैश को बिल्कुल सेम रखा इसको हमें उठा के देना है तो g आएगा और माइनस का बना 2gh और अपॉन r बना तो यहां पर ये g डैश माइनस g जो होता है इसे बुलाता है डिक्रीजिंग वैल्यू इन g इसे बुलाता है डिक्रीजिंग वैल्यू इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ये जो पावर होता है ये जो वैल्यू होती है माइनस 2gh अपॉन r ये शो करता है डिक्रीजिंग वैल्यू इन g को
ये हमारा कुछ रिलेशन होता है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट के लिए।